नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे सीएससी वैली भाई हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम क्या आता था कि जब भी हम जाते थे वृद्धा पेंशन का ई केवासी करने के लिए ई लाभार्थी के पोर्टल पर, तो हमें कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता था कि यानी कि यहाँ पर हम आधार नंबर डाल करके जैसे सर्च पर क्लिक करते थे तो हमको जो है इस तरह का एरर देखने को मिलता था। यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स तो आता ही था, बट यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस करने के लिए जो वो ऑप्शन ही नहीं आता था। ये एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका था और हम लोग ई केवाईसी भी नहीं कर पाते थे। इधर उधर पूछताछ करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट पता नहीं चलता था। फाइनली दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अब आप लोगों को किस तरह से ई केवाईसी करना है, आपका ऑप्शन वहां पर आगे प्रोसेस करने का वो आ जाएगा। लाइव इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं बट पता नहीं क्यों नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट वाला फीलिंग जो है वो आने लगता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइएगा ई लाभार्थी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद जो है आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, लिंक टू वाले पे, ई लाभार्थी लिंक टू पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना सीएससी को लॉगिन हम कर लेते हैं। अब आप जैसे लॉगिन करेंगे तो इस तरह से पेज आता ही है, यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आप किसके माध्यम से सर्च करना चाहते हैं। तो हम आधार के माध्यम सर्च करना चाहेंगे, आधार यहाँ पर टिक कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर डालने के बाद सिंपल से यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही दोस्त सर्च पर हम क्लिक कर दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह का पेज आ गया। पहले जो था ये वाला ऑप्शन नहीं आता था, यहाँ पर लिखा है गो फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो पहले इस तरह का ऑप्शन नहीं आता था, यही ऑप्शन की वजह से जो हम लोग केवाईसी भी नहीं कर पाते थे। अभी जो है ये ऑप्शन अब आने लगा है, अब आप जो है यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आगे आपको प्रोसेस करने के लिए इस तरह से दे दिया जाएगा। तो इनका जो था वो डिटेल हम पहले ही सबमिट कर दिए थे, बट इसका जो है फिंगर लगना बाकी है अभी। तो फिंगर लगाने के लिए सिंपल से इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, जो भी बायोमेट्रिक इसमें अटैच होगा यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके बाद हम जो है यहाँ पर अपना केवाईसी कर सकते हैं। जो भी कस्टमर का मतलब होगा केवाईसी करने वाला, उनका हम यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। तो इनका टेंशन फ्री हो चुका है। आप लोग अगर केवाईसी नहीं कर पा रहे थे तो अब आप लोग खोल करके देखिए, इसमें केवाईसी होना शुरू हो चुका है, अब इजीली केवाईसी कर सकते हैं। चले दोस्त, हम इस वीडियो को करते एंड, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।